हेलो दोस्तों, आप सबों को इन्फोटेक चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा किसी खेत को फीट से माप करने पर उसे हम धुर कट्ठा और बीघा में कैसे निकालते हैं। ये बहुत इजी है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप खुद इसे कर लेंगे बिना अमीन के बगैर। सबसे पहले धूर कट्ठा और बीघा में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक कट्ठा में या 20 धूर बराबर एक कट्ठा होता है, ये आप दिमाग में रख लें। और 20 कट्ठा बराबर एक बिघा, ये क्या है, कंफर्म है। कट्ठा को सभी जगह कुछ अलग भी बोलते हैं, कहीं बिस्वा बोलते हैं, कहीं गुंठा बोलते हैं। तो 20 धूर बराबर एक कट्ठा होता है और 20 कट्ठा में एक बिघा होता है। अभी एक ये मेरे पास एक प्लॉट है जिसके चारों साइड अलग हैं, यानी विषमबाहु चतुर्भुज है। एक साइड 210 फीट है, एक साइड 110 फीट, दूसरा 240 फीट और चौथा 120 फीट है। इस प्रकार इसके चारों भुजाएं जो है बिल्कुल अलग है। तो इसका हम लोग पहले सामान्य विधि से जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो निकाल लें, फिर बाद में इसको हम लोग चेंज करेंगे। वीडियो में जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसका कैसे होती है, आमने सामने भुजा का योग है। तो इसमें क्या है, 210 प्लस 240, भुजा नंबर कितना है, भुजा की संख्या 2 है, 2 से इसे भाग दे दें तो इसका कितना हो जाएगा, औसत 25 हो जाएगा शायद, 225, 225 फीट। ओके, सेम इसके चौड़ाई का भी औसत निकाल लेंगे। ये क्या है, लंबाई है और ये चौड़ाई का औसत। इसमें क्या है, 120 फीट है और 110 फीट है। ये दोनों का भी हम लोग सेम प्लस कर देंगे, उसे 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपको 115 फीट। इस प्रकार जो लंबाई आ गई, औसत लंबाई और औसत चौड़ाई, इसे आप आपस में इसे मल्टीप्लाई कर लें, गुणा कर लें। तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल या रकबा या एरिया निकल जाएगा। 225 गुना 115 कर देंगे आपस में तो एक कितना आ गया हम लोगों को, 225 गुना 115, तो ये आ गए आपको 25,875। 875 अब क्या हो गया, वर्ग फीट। क्लियर है। अब क्या है, इसे हम कट्ठा बिघा और धूर में कैसे निकालेंगे। तो धूर में निकालने का तरीका यदि याद नहीं है तो मैं इसे पहले बता देता हूँ। ऐसे मैं इसके बारे में वीडियो बहुत सारे बना चुका हूँ। ये क्या होता है, हाथ के लग्गी के ऊपर इसकी बेस रहती है। यदि मेरे पास यदि चार हाथ की लग्गी है तो वहाँ पे कितने वर्ग फीट का धूर चलता है। तो यहाँ आप इसे, एक हाथ बराबर कितना होते हैं, 1.5 फीट। ओके, तो इसको आप कर दें
कितना हो गया, 6। डेढ़ फीट गुने 4 फीट, 6 फीट हो गए। ओके, अब इसमें धूर निकालना रहे तो ये क्या, धूर पैमाना हो गया क्षेत्रफल का, रकवा का, यानी कि इसको वर्ग करना पड़ेगा, जो भी आ गया उसे स्क्वायर कर दें, यानी कि 6 गुना 6 वहाँ पर 36 वर्ग फीट का एक धूर होती है। ओके, अरे एक कहीं पे 5.5 हाथ की लग्गी चलती हो तो वहाँ भी कितना हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस है, 5.5 गुना उसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, देख लेते हैं कितना आ गया, 1.5 गुना 1.5, 8.25, 8.25 फीट धूर निकालने का सेम वही विधि है, धूर कितना हो गया, 8.25 का इस वर्ग कर देंगे, यानी 8.25 गुना 8.25 बराबर इसे हम लोग निकाल लेंगे तो ये आ गया 68.063, 68.063 वर्ग फीट का एक धूर इसकी मान हो गई। मतलब जहाँ 5.5 हाथ की लग्गी चलती हो एक क्या हो गया, एक धूर की मान है, तो हमारा कट्ठा कितने का हो गया वहाँ पे, एक कट्ठा में मैं पहले ही बता चुका हूँ 20 धूर होते हैं, तो 68.063 को 20 से गुणा कर देंगे, गुणा करने पे हमको क्या ज्ञात होगा कि 1361.25 वर्ग फीट का वहाँ एक कट्ठा चलती है, जो बिहार के बहुल इलाके में इसकी मान यही होता है, एक कट्ठा बराबर 1361.25 वर्ग फुट। ठीक है, अभी हम लोग का कितना आ गया, 25,875 वर्ग फीट। तो इसमें आप पहले अपने तहसील या ब्लॉक में मालूम कर लें कि वहाँ एक कट्ठा का मान कितना है, लग्गी से या हाथ से पूछेंगे तो जल्दी कोई बता नहीं पाएंगे, यदि एक कट्ठा का मान आसपास के बुजुर्ग से भी पूछेंगे तो वो बता देंगे कि हाँ इतना चलता है। सबसे बेहतर है कि आप वहाँ के ब्लॉक्स में पहुँच के वहाँ पता कर लें। अरे मान लिया जाए कि वहाँ एक कट्ठा का मान आपके प्रदेश में 1361.25 वर्ग फीट का चलता है, तो ये कितना कट्ठा हो गया, इसको हम लोगों को कट्ठा ज्ञात करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, 1361.25। पहले इसको एक कर लिख लेंगे हम लोग, क्या निकला था, 25,875 को भाग देते 1361.25 से, वो जितना भी आएगा ना वो आपका कट्ठा में निकल जाएगा, 25,875 डिवाइड 1361.25, तो ये आपका निकल गया 19.008 कट्ठा। ओके, इतना कट्ठा वहाँ पे निकल गया। अरे इसमें आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि 0.008 क्या है, तो इसका भी मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, तो इसमें आप 19 कट्ठा तो क्लियर है, 0.008, 0.008 को क्या करेंगे, वहाँ का कट्ठा का क्या मान है उससे गुणा कर देंगे, तो वहाँ का कट्ठा का मान हमको मालूम पड़ा 1361.25, तो इससे गुणा कर देंगे तो ये 10.8, 10.8 वर्ग फीट, समझ गए,
19 कट्ठा और 10.8 वर्ग फीट। अब वहाँ बिग्घा मालूम करना पड़ेगा, तो क्या होगा, कट्ठा हमारा कितना था, 19.008 कट्ठा था, और एक बीघा में कितने कट्ठा होते हैं, 20 कट्ठा होते हैं। इसे हम लोग 20 से भाग दे देंगे, तो जो भी आएगा वो 0.0950 जो है वहाँ बिघा हो गया, मतलब 1 बिघा से थोड़ा कम। ओके, यदि इसको आप क्रॉस चेक करने के लिए वर्ग फुट कितना है तो क्या करेंगे, या तो कट्ठा में निकालना है तो इसको 0.0950 को हम लोग 20 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा वापस कट्ठा में, और इसको भी 20 से गुना कर देंगे तो वापस आ जाएगा वर्ग फीट में। तो इसमें कुछ ये हुआ है, 19.008 तो हम लोग कहा था, लेकिन यहाँ कट्ठा का मान निकालना पड़ेगा। तो एक कट्ठा का मान कितना था, 1361.25 कर देंगे तो वो आ जाएगा आपको वर्ग फीट में। यदि धूर का मान यहाँ पे निकालना है तो कितना हो जाएगा, धूर भी निकाल लेंगे हम लोग, कितना धूर है वो जो प्लॉट है, तो इसमें जितना कट्ठा आया है उसको आप भाग दे दें धूर से, तो 1 धूर में कितना होता है, मतलब 1 कट्ठा में 20 धूर। तो हम लोग को कट्ठा कितना था, 19.008, इसको हम लोग भाग दे देंगे 20 से, जो उसका मान आएगा वो धूर में निकल जाएगा। यहाँ मिस्टेक हो गया, यदि बड़ा से छोटा करना रहता है तो उसे हमेशा मल्टीप्लाई करें, और छोटा से बड़ा रहा है तो उसको डिवाइड करें, ये मिस्टेक मैं कर गया था, तो इसको 20 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो ये 19.008 को गुणा कर दें 20 से, तो ये आपको 380.160 धूर हो जाएगी। ओके, यदि आपको वर्ग फुट में इसको चेक करना है तो 1 धूर का मान हम लोग जहाँ 1361.25 था वहाँ 1 धूर का मान कितना था, 68.063, तो इसको आप गुना कर दें 68.063, तो ये आ जाएगा वर्ग फीट में फिर से 25,875। तो इस प्रकार आज मैंने आपको किसी खेत को फीट से माप कर वहाँ धूर कट्ठा और बीघा के बारे में बताया, आशा करते हैं समझ गए होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, धन्यवाद।